नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मंसूचक प्रखंड के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दशरथपुर परिसर में अवस्थित सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत कौशल विकास कंप्यूटर संस्थान मंसूचक में गुरुवार की रात कंप्यूटर कक्ष भवन के पीछे शीशा युक्त खिड़की तोड़कर 6 लैपटॉप, 1 हेडफोन अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने का आरोप संस्थान के कोऑर्डिनेटर नयन प्रकाश ने लगाया है। आश्चर्य की बात यह है कि उक्त संस्थान में गार्ड भी नियुक्त है। कोऑर्डिनेटर ने बताया कि अधिक रात होने पर गार्ड सो गया था, इसी बीच मौका का फायदा उठाकर चोर चोरी करने में सफल रहा। सूचना पाते ही मंसूचक थाना की पुलिस अशोक कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन समाचार प्रेषण तक मंसूचक थाना में संस्थान के कोऑर्डिनेटर द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। मंसूचक से अमित कुमार की रिपोर्ट। ऊपर से निकला है जो सीसीटीवी पूरा दिखा रहा है। सीसीटीवी मेरे यहाँ रिकॉर्डेड है। अरे उतना खुलसी होने वाला नहीं जो आप समझ रहे बिहार। आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए जो चोरी हुआ है गलत तरीके से ना बाउंड्री के कारण हुआ है सब। ये तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज आया होगा। सीसीटीवी बैक ले रहा ना सर, बैक ले रहा। आप उधर से ले रहे थे, आपका हाथ आ रहा है। 2017 से प्रखंड में चल रहा है। दिमाग लगा एक बात और है सर, उनसे मान लीजिए ये हुआ कि शीशा आपका नहीं है। शीशा भी नहीं है सब टूट लगा। नहीं, एक तो शीशा भी सर तोड़ा है पीछे। एक शीशा भी तोड़ा, शीशा लगा हुआ ही नहीं है कहीं पे। एक शीशा टूटा है सर, ठीक है। 200 शीशा नहीं था पर एक शीशा तोड़ा भी है सर। तो चोर तो करेगा, मगर फिर भी सावधानी में आपके द्वारा भी कहीं ना कहीं इशारा नहीं, वो त्रुटि है। त्रुटि है आपके, आप लोग के थ्रू भी देखिए। यही सब चीज देखा जाता है ऑफिसियल कि मेरा सामान कहाँ सुरक्षित है ना। 6 लैपटॉप 4 यहाँ से लिया, 1, 2, 3 मेरे पास फुटेज है, उसमें हाथ दे करके ले रहा है। लाओ मेरा मोबाइल तो उसका फिगर नहीं मेरा हाँ, हाथ का फिगर है। हाथ है, हल्का सा शर्ट आया है पिंक कलर का। जो व्यवस्था बनी हुई थी ना हुआ है तो अब तो हम सब जगह करवाएंगे। लाइट दिखा रहे हैं, वहाँ भी यही व्यवस्था।